इस वक्त हम रांची के चंदवे में शेख बिलाल के घर के सामने हैं। के घर के सामने देखिए ये गिट्टी और बालू गिरा है। आसपास के लोगों ने बताया कि शेख बिलाल ने घटना के 2 दिन पहले ही यहाँ पर गिट्टी और बालू गिराया था। ऐसी जानकारी है कि वो पक्का का मकान बनाना चाहता था। पड़ोसी ने जो जानकारी दी उसके अनुसार यहाँ पर उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। आसपास के लोगों से उसकी कोई बातचीत नहीं थी। आसपास के सभी लोग उससे थोड़ी दूरी बना के रखते थे क्योंकि कई मामले में वह आरोपी रहा है और जेल भी जा चुका है। और गांव वालों का कहना है, पड़ोस वालों का कहना है कि ऐसे लोगों से वह चाहते हैं कि दूरी बना के रखें। कहाँ गया पूरा पूरा परिवार? तो थाना प्रभारी ले गया है पिटोरिया। बिलाल जो है कब से फरार? उसको नहीं कह सकते हैं सर, मेरा पैर में शुगर हो गया है, जख्म है। हम घर से निकलते हैं, यहीं पर रहते हैं, सवर रहते हैं। तो देखते होंगे ना? ना है सर, नहीं देखते। लास्ट टाइम कब देखे? जेल से आया था तब? हाँ, उस समय देखे थे, जेल से आया था ना। 10-15 दिन पहले? वही 1-1.5 महीना पहले देखे थे जी। जो लड़की को बोल रहा है कि मारा है, वो लड़की यहाँ पर देखी है? नहीं, हम नहीं देखे हैं सर। बिलाल किसके किसके साथ यहाँ पर रहता? अपना माँ है, बाप है, बीबी है, बच्चा 2 है। कितना साल का होगा बच्चा? वही 12-13 साल का होगा, एगो 8-10 साल का होगा। आप जो है बगल वाला जो है उसी में? नहीं, हम उधर रहते हैं सर, मेरा माँ लोग यहाँ पर रहता है। तो मारने पीटने ये सब का आवाज हुआ? नहीं सर, हम नहीं देखे हैं। उसके साथ में हम लोग का दुश्मनी है सर। पूरे मोहल्ला में किसी से? नहीं सर। जेल भी गया है, बंदूक पकड़ा था और उसके बाद मर्डर केस में गया था? जी जी सर, हम तो वैसा सुने थे जी सर। मतलब किसी से बातचीत उसका नहीं? नहीं सर। जो लड़की, जो सूफिया जिसका नाम है, वो आके यहाँ पर कितना दिन से? वो नहीं कह सकते हैं सर। आप लोग कभी नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं, उसका घर में हम लोग नहीं जाते हैं तो ना। मेरा बाहर तो देखे होंगे ना? नहीं सर, नहीं देखे हैं जी। कौन है, क्या नाम? शेख इब्राहिम। शेख इब्राहिम। बिलाल कौन है? हैं ये बगली वाला घर का है। आपका कोई लगते हैं? हाँ, बड़का अबू लगते हैं। बड़का अबू? हाँ। कौन रहता है घर में? हैं बिलाल के घर में कौन कौन है? उसका बीबी रहता है, उसका माँ रहता है। एक लड़की जिसका बोल रहा है कि मार दिया है, वो भी रहती थी? नहीं। जी सर, मेरा बेटा है। मतलब आपका बड़ा भाई, लेकिन बातचीत नहीं है जी। छोटे भाई? नहीं नहीं, चचेरा है। चचेरा बड़ा भाई है। हाँ जी। सहोदर नहीं? नहीं नहीं। क्या नाम है किसका? आपका? शेख जलाल नाम है। बिलाल? जी जी सर। देखिए, ये शेख जलाल जी हैं जो बिलाल के चचेरे छोटे भाई हैं ना, कि बड़े भाई हैं? का वैसा आदमी को भाई कीजिएगा सर, जो अपना को नहीं जानता है उसको भाई कैसे कह सकते हैं? किसी का साथ में उसका ही नहीं है सर। जो घटना किया, इसके बारे में गुस्सा है? गुस्सा तो है सर, सबका माँ बहन है, मेरा भी है। बॉडी फेंका इधर, सिर फेंका, मारा कहाँ, ये पता? ना सर, हम तो यहीं पर सवार रहते हैं सर। निकालता है हमको पकड़ के 2 आदमी, उसके बाद फिर अभी ले जाएगा 2 आदमी। आपके पास गाड़ी उड़ी भी है कोई? नहीं सर, मोटरसाइकिल तो था सर जी। तो बिल्कुल देखिए, ये बिलाल के पड़ोसी हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त हम चंदवे गांव में हैं और इस घर के पीछे ठीक बगल में जो घर है वो शेख बिलाल का है। शेख बिलाल वही शख्स है जो जिसे पुलिस इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी के तौर पे देख रही है। अब देखिए, इस वक्त घर में जो है ताला लटका हुआ है, घर के बाहर गिट्टी और बालू गिरा हुआ है। तमाम जो घर के जितने सदस्य हैं, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। तो ये सामने जो है चंदवे का ये मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क से अंदर जो ये रास्ता आता है, यहीं पर शेख बिलाल का घर है। अब चूँकि आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर शेख बिलाल उस लड़की के साथ यहाँ पे रहता था या फिर नहीं, उसकी हत्या कहाँ की गई, इस गुत्थी को सुलझाने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। लेकिन
शेख बिलाल के घर से करीब 2 किलोमीटर दूर खेत में पुलिस ने सिर के अवशेष बरामद कर लिए हैं और यहाँ से ठीक करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे धड़ बरामद हुआ है। तो ये अभी हालांकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल ही रहा है, अलग अलग बिंदु पर पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हम कोशिश कर रहे थे कि इस गांव के लोगों से जाने कि क्या जिस लड़की का जो शव बरामद हुआ है, जिसे बताया जा रहा है कि वह सूफिया का शव है, क्या सूफिया भी शेख बिलाल के साथ यहाँ पत्नी के साथ रहती थी। followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in